आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें आपने सही मुस्लिम से कुरान खानी का सबूत दिया है बाज़ लोग इस वीडियो को मुर्दों पर कुरान खानी के लिए यूज़ कर रहे हैं क्या आप इस आलें सवाब के कायल हैं कुरान बख्शने वाले तरीके से मेरे भाई कुरान को भी लोग मिस यूज़ कर रहे हैं कुरान पाक की आयात पढ़ पढ़ के खवारिज ने सियाबा इकराम को काफ़ी डिक्लेयर किया नाउदबिल्ला तो अब कोई मौला अली मौलालीसम को ख़त लिखेगा कि जी या अमीरुल मोमिनीन ये मुनाफिकन ने फलां आयत पढ़ के आप पे कुफ़र का फतवा लगाया लिहाजा आप ये आयत कुरान से निकलवा देना उजबिल्ला ऐसे तो नहीं होता इसी तरीके से हम अपनी क्लिप के जिम्मेदार हैं अगर उस क्लिप में मैंने कुरान खानी इसाले साल वाली बात की है तो आप ज़रूर पकड़ें सिर्फ कुरान खानी के लफ्ज़ को तो ना पकड़ें वो पूरे कॉन्टेक्ट में बात हुई है जैसे हम आम कहते हैं हतम्लर हतमान का अमूमी मतलब क्या होता है कि बच्चे ने कुरान मुकम्मल किया आपको कह जी इससे मुराद वो सामने खाना रख के और ख़त्म खत्म कुरान से मुराद ये है तो आप ज्यादा कर रहे हैं ना फिर एक ऐसे शख्स के बारे में जो शख्स इस साले स्वाब पर अपना डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं आप दुनिया में कहीं भी साले स्वाब लिखे ना किसी शख्स का क्लिपटॉप पर नहीं खुलेगा सवाए मेरे आलमोस्ट साढ़े चार पाँच लाख लोग वो देख चुके हैं और दो घंटे की वो वीडियो है मसला नंबर सेवेंटी फोर इस साले स्वाब के सुनत तरीके मैंने बताए हैं सही मुस्लिम से अब से नसाई से इतने माजा से बाकी किताबों से मैं आज डिटेल में नहीं जाऊँगा ये जो कुरान खानी वाला मेरा क्लिप है इसमें मैंने कुरान खानी की बात की थी कुरान पढ़ना और वो सही मुस्लिम की मैंने हदीस पेश की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया जो लोग भी अल्लाह के घर में कुरान की तिलावत के लिए या उसकी दरसो तदरीस के लिए जमा होते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते उनको ऊपर से ढाँप लेते हैं उन पर सकी नाजिल होती है तो इससे मैंने कहा था कि ये जो जिक्र की महफिलें आपने सजाई हैं ना इसकी बजाय आप कुरान के दर्स की महफिलें सजाएं कुरान की तलावत की महफिलें सजाएं मस्जिदों के अंदर घरों के अंदर और उसी कॉन्टेक्स में मैंने बात की थी कि अगर किसी ने कोई नई दुकान बनाई है या किसी घर में शिफ्ट हुआ है और वहाँ पर वो सारे घर वाले बैठ के या इवन मोहल्ले वाले भी आके क़ुरान पढ़ लेते हैं बग़ैर पेमेंट के मौलवियों को बुला के नहीं एक बरकत के लिए एक जगह जमा हो जाए जिक्र की महफिल हो या कुरान की महफिल हो इस हवाले के सुन्नत तरीके के ऊपर वो हो रही हो सुन्नत अजगार हो उसके अंदर तो उसमें मैंने कहा था इस तरह की कुरान खानी पर हम कोई फतवा नहीं लगाते इससे मैंने साले सुवाब या मुर्दों को बखने वाली कुरान खानी नहीं ली उसका तो कोई जवाब मौजूद नहीं इवन फिका अनवी के अंदर जवाब मौजूद नहीं बाद में मुतारीन जो है इस तरफ चले गए तो मेरा मसला नंबर सेवेंटी फोर देख लें मैं इन कॉन्टेक्स के साथ चीज़ों को पेश किया करें यानी इस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्ट सिर्फ टाइटल पढ़ लेने से जिस तरह मैंने बताया हमारे एक क्लिप का टाइटल है मैं सुन्नी शिया से मुसलमान क्यों हुआ तो पिछले दफ़ा फिर मैंने वो कोई अट्ठावन मिनट उसका जवाब दिया है वो जी आपने तो सुनी शिया, वो काफिर कह दिया उसमें मैंने कब काफिर कहा मैंने तो हेडिंग बनाई और सवालिया निशान है फिर मैंने उसमें इल्ज़ामी जवाब दिया था कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं पंजाबी बलोची पठान और सिंधी से निकल कर पाकिस्तानी क्यों हुआ तो इसका मतलब आप क्या लेंगे कि ये शख्स लसानियत और सूबाइत के ख़िलाफ़ बोल रहा है ये ट्रू पाकिस्तानी है क्या आप ये मतलब लेंगे कि इसका मतलब यह है कि ये बलोचियों को पाकिस्तानी नहीं मानता पंजाबियों को पाकिस्तानी नहीं मानता अगर मैं पंजाबी और मैं कहता हूं मैं पंजाबी से पाकिस्तानी क्यों हुआ इसका कतन ये मकसद नहीं मैं पंजाबी को पाकिस्तानी नहीं मान रहा हूं इसका मतलब यह है कि मुझे पंजाबी के लाने के बजाय मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करना चाहिए इस तरह मेरा जब क्लिप है मैं सुन्नी शिया से मुसलमान क्यों हुआ तो मुराद यह है कि मुझे सुन्नी और शिया के बजाय अपने आप को मुसलमान कहना चाहिए मुस्लिम कहना चाहिए क्यों क्योंकि ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी नाम हम हैं सौ कार्ड जो वो एक गाली रखी हुई अदबी सी किसी की इलमी बात के ऊपर और नाम बाबी हैं बबों के मानने वाले या बाों का दिवा करने वाले हम इलमी किताबी ही हमसे हमसे किताब बात किया करें तो मैंने उसमें यानी क्लियरफिकेशन दी यहाँ पर मैं क्लियरफिकेशन दे रहा हूँ इससे मुराद इस कुरान खानी से मुराद बरकत के लिए कुरान खानी है इन सुरन दारमी में मौजूद है सही सनत के साथ के सदना अनस इब्र मालिक रदील्ल् तौके जब घर में से कोई बच्चा कुरान मकम्मल करता था तो वो लोगों को जमा करके दुआ यानी इज्तमी दुआ करवाया करते थे ये भी साबित है कुरान हानी के एंड के ऊपर तो ये कोई बिदत वाला मामला नहीं है ठीक होगा जी